पढ़े हम लोग प्रश्नावली 10.3 में ना, तीन सवाल हैं, तीनों सवाल का समाप्त करते हैं हम लोग। देखो क्या क्या इसमें दिया गया। क्वेश्चन नंबर एक है ना, एक में ही कह रहा है बाबू, देखो कि वृत्त के कई जोड़े खींचिए, ये प्रश्न किया गया है कि वृत्त के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं कितने नहीं है वो आपको बताना है। अच्छा कैसे उभयनिष्ठ का मतलब मैंने, पहले तो युग्म खींचना है, जोड़ा खींचना है, कितना आप खींच सकते हैं जोड़ा। तो देखो बाबू, जैसे क्वेश्चन कहा कि वृत्त के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं और उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या भी बताइए। तो हमने दो वृत्त एक साथ खींचा, एक का केंद्र O है, दूसरा केंद्र का है O डैश, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों वृत्त कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, दोनों वृत्त कहीं स्पर्श नहीं कर रहा, कहाँ कर रहा है देख रहे हैं, कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा जी। देखो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसको टच करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको टच करना चाहिए, ये कहीं टच किया ही नहीं है, इसीलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये कहीं स्पर्श नहीं किया है, कहीं स्पर्श नहीं किया है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाएगा, जीरो। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दो बिंदु, दो वृत्त आपके हैं, दो वृत्त हैं, देखो दोनों वृत्त एक दूसरे के एक ही बिंदु पर स्पर्श कर, जब एक जगह स्पर्श करेंगे ना तो एक ही बिंदु पर स्पर्श किए, कई तरीके के आपको खींच करके दिखाना है। तो हमने दो वृत्त खींचा और दोनों वृत्त एक ही बिंदु पर स्पर्श किए, और जहाँ जब एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, एक, उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा, क्योंकि यह केवल एक बिंदु पर स्पर्श किया है, ये केवल एक बिंदु पर क्या किया है, स्पर्श किया है, इसलिए इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा कितना होगा, एक होगा, उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा। समझे कुछ बात को। अब आइए, ये वृत्त आप जो देख रहे हैं, यहाँ दो वृत्त दिया गया है, ठीक है, और दोनों वृत्त आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर, देखो एक यहाँ बिंदु एक यहाँ बिंदु, तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितनी होगी, दो, क्यों दो होगी, क्योंकि ये दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले कभी तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते, तो एकदम आराम से तीन बार आपको खींचना है, दो से अधिक कभी वृत्त पर बिंदु हो ही नहीं सकते हैं, जब दो वृत्त कहेगा तो तीसरा होता तो मान लीजिए खींचते तो देखा जाता। अब आइए क्वेश्चन नंबर दो, ये तुम लोग पढ़े भी हो, पर मैं 10.3 में कल वही सेम टू सेम है, कह रहे मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया, चलो एक हमारे पास वृत्त दे दिया गया, मान लो चलो ये बना देते इधर एक वृत्त दे दिया, कहा कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है तो उस वृत्त का केंद्र आप कैसे ज्ञात करेंगे, केंद्र नहीं मालूम है। अच्छा कब वृत्त खींचेंगे तो केंद्र नहीं मालूम होता, चूड़ी ले लो चूड़ी, हालांकि प्रकार से खींचोगे तब तो कहीं ना कहीं रख के खींचोगे तब तो आपको केंद्र मालूम होगा, लेकिन अगर चूड़ी ले लें और चूड़ी से वृत्त को खींचे, जैसे चूड़ी रखकर वृत्त को खींचेंगे तो हमको ही नहीं मालूम होगा केंद्र कहाँ है। तो इस केंद्र को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम देखो लिखा गया कि सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा हमने, खींच दिया सर, इसमें दो जीवा ए बी और बी सी खींचा, चलो मान लो हमने एक जीवा ए बी खींचा और एक बी सी, कहीं खींचिए कैसा भी खींचिए किसी भी माप के खींचिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, इसको सी लिखिए, उसके बाद से देखो यहाँ पर लिखा गया ए बी और बी सी का अर्धक किया गया, ए बी और बी सी को क्या किया गया, अर्धक किया गया, ए बी है ये ए बी है देख रहे हैं ना, ए बी है आपका, तो ए बी का आपने अर्धक किया, तो यहाँ से यहाँ पर काटा, फिर यहाँ से यहाँ पर काटा, इसको काटा, इसको लिया करके हमने मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया, उसी प्रकार बी सी को अर्धक किया, एक ऊपर काटा एक नीचे, फिर से ऊपर आ गया ऊपर काटा एक नीचे, फिर हमने इसको लिया क्या कर दिया, मिला दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ए बी और बी सी दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, जहाँ मिला बाबू वही वृत्त का क्या होगा, केंद्र, वही वृत्त का क्या होगा, बन गया, सिंपल सी बात आपकी, समझे हो। यस सर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर अब थ्री आ जाओ, थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा कि दो वृत्त जिनके केंद्र ओ है तथा ओ डैश है, माने आपको ये कहा है ना कि दो वृत्त दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है कि वृत्त के जो जीवा, देखो ये जीवा या जीवा कहो, उस पर डाला गया जो ये विचार जो भी कहो, वो लंब से विभाजित होता है, यानी जो ओ जो आपका ए बी लिख लो, क्या लिख लो, देखो यहाँ पर लिखा कहा है कि दो वृत्त जिनका केंद्र ओ तथा ओ डैश है,
हमने दो वृत्त खींचा है, ये जो पहला वृत्त अब खींचा है इस तरीके से, ये जो पहला वृत्त देख रहे हैं इसका केंद्र का है ओ है, ओ है ना, तथा दूसरा जो वृत्त खींचा है इस तरीके से इसका केंद्र का है ओ डैश, दो वृत्त दिया है, पहले वृत्त का केंद्र ओ है और दूसरे वृत्त का केंद्र ओ डैश है। चलो दोनों के दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, देखो एक ए है एक बी है, जब दो वृत्त दो जगह स्पर्श करते हैं तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु कितने होंगे, दो, एक ए है और एक क्या बी है। चलो सिद्ध करना है, क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, का सिद्ध करना है तो समझते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ओ ओ डैश कमा करके ए बी पर लंब संधिविभाजक है, माने जो ओ ओ डैश है ए बी पर क्या है लंब समद्वि भाजक है, ये सिद्ध करके दिखाना, यानी जो ओ ओ डैश है वो ए बी पर लंब है, ये सिद्ध करके दिखाना। अब तुम लोग बताओ सब लोग कि प्रमाण अब लिया गया है कि कोण ओ एम ए बराबर 90, जब यहाँ पर लंब डाला गया तो इसका मान कितना होगा 90, केवल हम लोग बीच वाला को देखना है, तो ओ एम ए का मान कितना होगा 90, समीकरण नंबर एक, और ओ डैश एम ए, ओ डैश एम ए बराबर भी कितना होगा 90, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दो, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, जब जोड़ोगे तो यहाँ पर होगा कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ डैश एम ए, ये दोनों जुड़ा गया 90 प्लस 90 180, अयोग लिख दिया 180। और देखो जब ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़े तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना मान आ गया 180, जब 180 आ गया तब सीधे कहेंगे कि एक सीधा रेखा हो जाएगा, देखो लिखा गया तो ओ अतः ओ एम ओ डैश एक सरल रेखा होगा, ये वाला हिस्सा कोई भी रेखा इस तरीके खींचे हो इस तरीके से, और इस पर अगर 180 अंश का कोण बनता है तो ये रेखा को हम लोग कहते हैं सीधा रेखा, कौन सा रेखा है सीधा रेखा, तो इसलिए ओ एम और ओ डैश यह कैसा रेखा है सीधा रेखा, देखो ओ एम ओ डैश एक सरल रेखा है, सरल सरल का मतलब होता है सीधा, एक सीधा रेखा है, अतः लिखा जाएगा ओ ओ डैश ए बी पर लंबा है, देखो अतः ओ ओ डैश ए बी पर का है लंब है, बोलो बता दोगे। तो ये 10.3 में मात्र तीन सवाल थे, तीनों का हम लोगों ने हल किया, और बाकी का हम लोग कल इसके प्रमेय को देख करके तब आगे हल करेंगे, साइंस के पास चलते होंगे। तो बहुत